विवेक, ये क्या आपको लग रहा है, ये क्या पॉलिटिक्स है? ये टीएमसी के नेता ये जो कह रहे हैं, इसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों, क्या इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इनको? नहीं, अब देखिए, तृणमूल के बजाय पहले हम प्रज्ञा ठाकुर पे बात करें, जिन्होंने बयान दिया और जो आपने बाइट प्ले करी। हाँ, दोनों पे बोलिए। ये सेकंड टाइम है कोर्ट से कि समर्थक प्रज्ञा ठाकुर इस तरह के बयान दे रही है और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उनको है। दूसरी बात, एजेंडा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, लेफ्ट का 35 साल का रूल रहा, सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कभी नहीं हुई, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े मार कुटाई पॉलिटिकल किलिंग्स तक हुई हो, लेकिन बंगाल के अंदर धर्म की राजनीति कभी नहीं आई। बंगाल वाज ऑलवेज अ सेकुलर स्टेट। जब से भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बंगाल में हुई है, तब से वहां पे सांप्रदायिकता फैली है। आप ये कह रहे हैं विवेक, क्या बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे नहीं मारा गया, लेकिन वैसे इंसानियत के नाम पर वहां पर माकपा के लेफ्ट के राज में इतनी हिंसा हुई, सब जायज है, आप ये कह रहे हैं? हम इस वक्त डिबेट, ये बीजेपी और टीएमसी यही तो आरोप लगाती है कि बंगाल में जो इतनी हिंसा हो रही है, ये लेफ्ट पार्टियों का बोया हुआ बीज है, यही तो ये आरोप टीएमसी। अभी मैं आपके सामने पूछ लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन लेफ्ट ने कभी नहीं किया, हम सेक्युलर हैं, अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, आरएसएस। नहीं तो आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि हिंसा हुई लेकिन धर्म के नाम पर नहीं हुई, ये कैसे कह सकते हैं आप? पॉलिटिकल फाइट्स, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैपन, लेकिन धर्म का उसमें रोल कभी नहीं रहा बंगाल में। सर, है टेली रीजन, इंसान की जान तो जा रही है, इंसान की जान तो जा रही है, कंडेम करना चाहिए आपको, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कंडेम करिए ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, सेकुलर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी एक धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, कौन एंडोर्स कर रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपके सामने, मैंने पूछा बीजेपी से, बताइए राजीव जेटली, जवाब दीजिए, धर्म के नाम पर आप लोग वहां पर पूरा मैदान बना दिए, पॉलिटिक्स बना दिए, इससे पहले बंगाल में कभी नहीं हुआ। देखिए, वो झंडा लाल हो या ममता बनर्जी का हो, इन दोनों ने एक ही काम करा बंगाल के अंदर। मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे बोला कि आजादी किसी को थी तो धर्म विशेष को दी जाती थी और तुष्टिकरण के नाम पर दी जाती थी, ये पूरे बंगालियों ने देखा वहां पर, और उसकी आड़ में जो कतलेआम होता था उसको ये पॉलिटिकल वायलेंस कहते हैं, जिसको अभी जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको पॉलिटिकल वायलेंस कह रहे हैं उसमें यही होता था कि एक बंगाली जो बंगाल में रहने वाला जब अपनी आवाज उठाता था तो उसको उसके हाथ काट दिए जाते थे, बम से उड़ा दिया जाता था। ये लाल झंडे वाले तो बम से उड़ाते थे, इनके पास इनकी तो टेक्निक अलग थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर। अभी थोड़ी